फिरोजाबाद के रामलीला ग्राउंड में प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरी महाविद्यालय द्वारा अलविदा डायबिटीज का 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सरिता बहन द्वारा बताया गया कि शहर में चल रही गंभीर बीमारी डायबिटीज की रोकथाम के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें माउंट आबू से आए डॉक्टर श्रीमान द्वारा शहर के प्रबुद्ध जनों एवं क्षेत्रीय जनता को मोटिवेशन किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि किस प्रकार आलस से हम अपने ही शरीर के दुश्मन बनकर अपने शरीर को खराब कर रहे हैं और डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। हमको प्रतिदिन सुबह उठकर व्यायाम करना चाहिए और अपने पेट पर चर्बी नहीं बनने देनी चाहिए। इस कार्यक्रम के प्रमुख रूप से MLC डॉक्टर दिलीप यादव, सिकावाद विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा, डॉक्टर जी के अग्रवाल, SRK डिग्री कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रभास्कर राय, PK जिंदल, देवी चरण अग्रवाल, भारतीय जनता पार्टी के नानक चंद जैन, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर SK दीक्षित, जिला विधायक निरीक्षक ऋतु गोयल, व्यापार मंडल के रविलाल तिवारी, सवर्ण महासभा के कौशल उपाध्याय, प्रमुख समाज सेविका कल्पना राजौरिया, जॉइंट ग्रुप और महिला शक्ति की अध्यक्षा वर्तिका जैन आदि शहर के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। फिरोजाबाद से शैलेश झा की रिपोर्ट, SKH न्यूज। परिवार से प्रत्येक घर से ये छोटी छोटी बीमारियाँ जिसमें मुख्य रूप से डायबिटीज है, वो बीमारी किस तरह से ख़त्म हो, और जब घर में बीमारी नहीं होगी तो निश्चित रूप से वो घर खुशहाल। स्वच्छ भारत मिशन में भी यही काम है कि हर तरह से शहर साफ सुथरा रहे, घर साफ सुथरा रहे और हम लोग बीमारियों से दूर रहें, जिससे कि स्ट्रेस नहीं हो। और निश्चित रूप से हम ये संकल्प लेंगे तो इसमें कामयाबी मिले। यहाँ पे किस तरीके का कार्यक्रम का आयोजन किया गया? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय रामलीला मैदान में स्थित है। ये लोग बड़े अच्छे कार्यक्रम करते हैं। आज जिस तरह से डॉक्टर साहब को बुलाया है, सीमन जी को, ये कहीं बाहर से आए, लेकिन इन्होंने डायबिटीज के संबंध में, विभिन्न बीमारियों के संबंध में, दिनचर्या के संबंध में, अपनी रसोई के खान पान के संबंध में इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई और निःशुल्क रूप से फिरोजाबाद की जनता को सीधा सीधा लाभ देने का काम किया। जो आदमी बीमार नहीं होगा तो जरूर अपने बिजनेस, व्यापार, धंधे, परिवार सबको बहुत अच्छा संचालित करेगा। जो व्यापार, जो बीमार रहेगा, चाहे डायबिटीज हो या अन्य कोई बीमारी हो, अटैक हो, BP हो, उससे प्रभावित रहेगा तो कभी कोई तरक्की न समाज के लिए कर सकता है, न अपने परिवार के लिए कर सकता है, न शहर के लिए कर सकता है, न जिले के लिए कर सकता है। इसीलिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सरिता बहन जी को। यहाँ उन्होंने इस तरह के आयोजन करते रहती हैं और आज यहाँ जो प्रोग्राम किया, डॉक्टर साहब को बुलाया, मैं तो मानता हूँ डॉक्टर सीवन जी बहुत विद्वान हैं। जिस तरह से मंच पर हमने सुना, उन्होंने बताया, उससे लगा फिरोजाबाद की जनता को इससे बहुत लाभ मिलेगा। 2 दिन का इनका सेशन है और मैं जनता से भी, समाज से भी, लोगों से, यहाँ के वासियों से अपील करता हूँ, यहाँ लोग आएँ, उनको सुनें, उनको देखें और उनका अनुसरण अपने घर में जाके करें और अपने परिवार के बच्चों को भी लाएं, जिससे हमारे घर में बीमारी कैसे फैलती है और कैसे इस बीमारी का कंट्रोल हो सकता है। निःशुल्क बता रहे हैं, समाज सेवा के भाव से बता रहे हैं, इसलिए बहुत अच्छा कार्यक्रम है। और मैं इनको पुनः एक बार फिर ईश्वरी विश्वविद्यालय के सभी परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। आपको जी आज किस तरह का प्रोग्राम रखा गया है? मैं डॉक्टर हो के आज यह कार्यक्रम 95% सभी भाई बहने जो डायबिटीज से ग्रसित है, मेरा बेस्ट फ्रेंड तनाव, डिप्रेशन, डायबिटीज आदि आदि रूपों से ही ग्रसित है, दुखी और अशांत है। इन्हीं सब बातों को देखते हुए डॉक्टर भैया को बुलाया गया है, जो कि इसके ही स्पेशलिस्ट है और इनका मुख्य उद्देश्य
है कि ज्यादा से ज्यादा सभी भैया और बहनों को डायबिटीज से मुक्त कराना है। इसी लक्ष्य में एक कार्यक्रम आज यहाँ रखा गया है, आज और कल अर्थात 2 तारीख को यह कार्यक्रम रहेगा। प्रातः 6:30 से 9:30 बजे तक, शाम को 5:00 से 8:00 बजे तक। आज विशेष यह कार्यक्रम 11 से 1 बजे तक युवाओं के लिए भी रहेगा, क्योंकि आज के संसार में हमारे सभी युवा अनेक अनेक प्रकार के व्यसनों से ही ग्रसित हैं। वो कैसे इन सारी बातों से बच कर के रहे, तो मैं सभी भैया बहनों से ही अनुरोध करूंगी कि आप अपना अमूल्य समय निकाल करके प्रातः और सायंकाल आप इस कार्य